नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग तर्पक कफ के बारे में बात करेंगे। यह कफ का चौथा भेद है। आइए देखते हैं तर्पक कफ। तर्पक कफ के स्थान और कर्म के बारे में बात करेंगे और हम लोगों ने जो कफ के स्पेसिफिक लक्षण या स्पेसिफिक स्थान, विशिष्ट स्थान और विशिष्ट कर्म की बात किया था, तो कहीं ना कहीं एक एक भेदों के बारे में ही बात कर रहे हैं। उन पर्टिकुलर भेदों में उसका स्थान कहाँ है, उसका विशेष कर्म कहाँ है, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं स्थान कर्म, तो हम लोग देख रहे होंगे तर्पक कफ के बारे में। सबसे पहले वाग्भट द्वय अर्थात अष्टांग हृदय के बारे में देखते हैं। अष्टांग हृदय ने जो तर्पक कफ के बारे में जो लिखा है उसका स्थान कहाँ पर है, तो देखेंगे शिरस्थ अर्थात तर्पक कफ का स्थान कहाँ है, शिर प्रदेश है। तर्पक कफ का स्थान शिर प्रदेश है। देखेंगे शिरस्थ अर्थात सिर में स्थित, अच्छ तर्पणात् अर्थात सिर में स्थित जो कफ होता है वो क्या करता है, अच्छ अर्थात नेत्र का तर्पण करता है, इसलिए उसको हम लोग तर्पक कफ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखेंगे इसी मीनिंग को उन्होंने बताया है कि सिर में स्थित कफ, तो शिरस्थ का मतलब क्या होगा, सिर में स्थित कफ। तो हम लोग कफ के बारे में बात कर रहे हैं, कफ के भेद का, कफ का वह भेद जो शिरस्थ अर्थात सिर में स्थित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो चक्षु आदि इंद्रियों का। तो यहाँ अच्छ तर्पणात् मतलब कि सिर्फ चक्षु अर्थात नेत्र ही नहीं, नेत्र के साथ साथ जो अन्य इंद्रियाँ हैं, चाहे चक्षु इंद्रिय हो, चाहे घ्राण इंद्रिय हो, चाहे रसना इंद्रिय हो, मतलब हर एक इंद्रियों का यहाँ पर जो सिर प्रदेश में इंद्रियों का स्थान बताया गया है, जो चक्षु आदि इंद्रियों का तर्पण करता है उसे तर्पक कफ कहते हैं। तो यहाँ पर अष्टांग हृदय अर्थात वाग्भट ने ये बोला है कि जो कफ का स्थान क्या है, अर्थात जो तर्पक कफ का स्थान सिर प्रदेश होता है। आइए देखते हैं अष्टांग संग्रह ने, आचार्य संग्रह ने अष्टांग संग्रह ने क्या कहा है। शिरस्थ इन्होंने भी बोला है क्लियर कट कि जो सिर में स्थित जो कफ होता है, चक्षुर आदि इंद्रिय तर्पणात् अर्थात सेम बात, वही बात इन्होंने भी बोला है कि सिर में स्थित चक्षुर आदि इंद्रिय, चक्षु और अन्य इंद्रियों का जो तर्पण करता है उसको हम लोग तर्पक कफ कहते हैं। वही बात हम फिर से रिपीट करेंगे, सिर में स्थित कफ जो चक्षु आदि इंद्रियों का तर्पण करता है उसे तर्पक कफ कहते हैं। तो यहाँ पर वाग्भट द्वय अर्थात अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों आचार्यों ने लगभग लगभग एक ही बात कही है कि सिर में स्थित जो श्लेष्मा का वह भेद जो तर्पक कफ है, सिर में स्थित होता है, वो क्या करता है कि जो सिर में स्थित जो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, इंद्रिया का मतलब सिर प्रदेश में क्या है, ज्ञानेन्द्रियाँ, तो चक्षुरादि इंद्रियाँ क्या है, ज्ञानेन्द्रियों का तर्पण करने की वजह से उसको तर्पक कफ कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने देखेंगे किस तरह से एक्सप्लेन किया है। शिरस्थ तो इन्होंने भी शिरस्थ बोला है, सभी आचार्यों ने तर्पक कफ का स्थान सिर बोला है। शिरस्थ स्नेह संतर्पण अधिकृत्वात् इंद्रिय आत्मवीर्येण अनुग्रहम करोति, तो थोड़ा सा इन्होंने और एक्सप्लेन करके बोला है। तो यहाँ देखेंगे सिर में स्थित कफ, शिरस्थ अर्थात सिर में स्थित कफ जो स्नेह एवं संतर्पण पोषण कर्म के लिए, तो शिरस्थ स्नेह संतर्पण, तो यहाँ दो टर्म है, एक आपका स्नेह हो गया, दूसरा संतर्पण। संतर्पण का मतलब पोषण, तर्पण का मतलब ही हो गया कि उसको तृप्त करना, तर्पण का मतलब तृप्त करना, इंद्रियों को तृप्त करना, अर्थात शिरस्थ सिर में स्थित जो कफ होता है वो स्नेह एवं संतर्पण अर्थात पोषण कर्म के लिए, स्नेह एवं संतर्पण अर्थात पोषण कर्म के लिए अधिकृत का मतलब होता है उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल, अधिकृत का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। तो सिर में स्थित कफ जो स्नेह एवं संतर्पण अर्थात पोषण कर्म के लिए अधिकृत अर्थात उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, वह अपने शक्ति या वीर्य से, वह अपने आत्मवीर्येण इंद्रियाणाम आत्मवीर्येण अनुग्रहम करोति, वह अपनी शक्ति अर्थात वीर्य से इंद्रियों अर्थात, इंद्रियों का मतलब क्या है, ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहा है, कर्ण अच्छी त्वक जिह्वा एवं घ्राण को, जो घ्राण इंद्रियां हैं ये पांचों इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, को अनुग्रहित करता है अर्थात लाभ पहुंचाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये क्या कर रहा है कि अपनी शक्ति से, अपने वीर्य से जो भी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, सिर में स्थित जो भी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं उनको लाभ पहुँचा रहा है, उनको तर्पित कर रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं तर्पण, तर्पक कफ के बारे में बात करते हैं। अब एक टर्म होता है तर्पण कर्म,
तर्पण कर्म क्या है, ये थोड़ा सा अभी आपके आपका फर्स्ट ईयर है या आपका फाइनल ईयर के प्रोसेस में, एक जब हम लोग नेत्र रोग पढ़ेंगे या शालाक तंत्र पढ़ेंगे वहाँ पर क्या है नेत्र क्रियाकल्प, जब हम लोग शालाक तंत्र पढ़ेंगे अर्थात थर्ड ईयर का प्रोसेस, लास्ट ईयर में हम लोग पढ़ेंगे शालाक तंत्र ENT के अंतर्गत, ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत, तो यहाँ पर नेत्र क्रियाकल्प अर्थात पांच चीज़ें पढ़ेंगे, पहला तर्पण है, दूसरा पुटपाक है, तीसरा सेक है, चौथा अश्योतन है, पांचवा अंजन है। तो अंजन से वाकई आप परिचित होंगे, जो अंजन मतलब आंखों में काजल लगाना, वो भी अंजन कर्म के अंतर्गत आता है। अश्योतन का मतलब जो भी मेडिसिन ड्रॉप के रूप में यूज की जाती है, आयुर्वेदिक हो या इस समय जो भी ड्रॉप के रूप में आई ड्रॉप यूज करते हैं उसको अश्योतन के अंतर्गत करते हैं। एक टर्म है सेक है, एक टर्म है पुटपाक। पुटपाक का मतलब ये हो गया कि आंखों पर कोई चीज़ द्रव्य औषधि को पकाकर आंखों पर बांध देना, पुल्टिस बांधना, उसको बोलते हैं पुटपाक। और एक टर्म है तर्पण, तर्पण है टर्म, कहीं ना कहीं एक तर्पण है नेत्रों को तर्पित करना, ये तर्पण कर्म ये हम लोग फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तर्पक कफ था, ये तर्पण है, नेत्र क्रिया कल्प के अंतर्गत आता है। अपने अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं, ये आपका एक मैटर एक्स्ट्रा हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, इन जनरल हो सकता है ना पूछे, हो सकता है पूछ ले, आप अपने मैटर में नोट कर लेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, धन्यवाद।